हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मार्केट किस तरीके से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। चार्ट में डिटेल में वीडियो एक और बनाऊंगा बेस्ड ऑन आज की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। लेकिन फिर भी एक जो हमें व्यू मिल रहा है यूएस मार्केट को देख के, उसके बेस पे एक वीडियो मैंने सोचा बना देना चाहिए ताकि लोगों को चैन की नींद आए या ना आए, जो भी है, क्योंकि डिपेंड अपॉन योर पोजिशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आई है, अच्छा खासा मार्केट में बाउंस आया है, उसके बाद बहुत सारे लोग लॉन्ग घर लेके गए होंगे। क्योंकि जो टेक्निकल चार्ट्स बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि हो सकता है हम दोबारा से पुराने हाई की तरफ जाएं, 830 निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो रुपी है उसको काफ़ी आज काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। आरबीआई ने आई थिंक पूरा जोर लगा दिया था आज, और लगाना भी चाहिए। मीन सेंट्रल बैंकर जब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपना मेन काम नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम कुछ तो करो, है कि नहीं? सही बात है। तो मेन काम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर नहीं पा रहा, तो सोचा कि चलो यार रुपी को ही मैनेज कर लें, कम से कम मार्केट तो संभले। तो मार्केट संभालने के लिए जोर लगा दिया, तो रुपी को काफ़ी कंट्रोल किया, और उसके बाद मार्केट ने बाउंस मारा। लेकिन डॉलर रुक तो रहा नहीं है, और डॉलर को आप लड़ नहीं सकते, डॉलर से कोई लड़ नहीं सकता। बड़े से बड़े बैंक, अपन तो यूएस डॉलर के दम पे ही अपनी फॉरेक्स रिजर्व दिखा दिखा के ही तो अपन इकोनॉमी को चमका रखे हैं, और वो आप उससे लड़ नहीं सकते, राइट? बिकॉज आप उसी को तो चमका के दिखा रहे हो कि अब हमारे पास इतना रिजर्व है और वॉर चेस्ट इतना बड़ा है हमारा कि हम लड़ सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो ये एक चीज़ है। यूएस फ्यूचर करेंटली डाउन है, और इमर्जिंग मार्केट में इतना पैनिक नहीं है, लेकिन यूएस में जो पैनिक है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डॉलर, एंड दैट इज़ बिकॉज कि ये जो टेपरिंग का कन्फ्यूजन है, ये क्योंकि 2 मीटिंग पहले से उम्मीद थी कि ऐसी बातें होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इसको टाल टाल के अभी तक यहाँ तक लाया। अब इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, जॉब मार्केट भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब बिजनेस एज यूजुअल हो चुका है बहुत सारी कंपनीज के लिए। तो इस सिचुएशन में एक्सेस मनी को निकालना सबसे सेफ है। अगर नहीं निकाला तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए शायद उन्होंने इशारा किया होगा। और अभी आप देख सकते हैं तो डाउ जोन्स काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, S&P 1% है, और कंपोजिट जो नैसडैक है वो आपका ज़्यादा नहीं गिरा है, 0.5% गिरा हुआ है। तो ओवरऑल मिक्स है इन टर्म्स ऑफ टेक, लेकिन ओवरऑल जो डाउ जोन्स है, जो US 30 स्टॉक्स हैं, वो गिरे हुए हैं। और इसका जो मेजर रीज़न है वो आपको मेरे हिसाब से डॉलर है, डॉलर की जो स्ट्रेंथ है, और डॉलर की हमने बारे में पहले भी बात की थी कि डॉलर अगर एक बार उठना चालू हो जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो विक्स है यूएस का, वो हमसे पहले 14-15 आया, और हमसे पहले 19, आज 19.2 पे है, हमसे पहले 20 की तरफ गया। बहुत सारे लोग का ये थ्योरी है कि यार विक्स कम हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट अब यहीं पर रुकेगा। विक्स यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विक्स यहाँ पे रुकेगा ये कहना मुश्किल है। उसका रीज़न सिंपल है, लो विक्स से हाई विक्स जाने की जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, वो दिखाता है कि मार्केट में पैनिक अब बढ़ सकता है। लो विक्स होना एक और चीज़ दिखाता है कि लो विक्स इन्वायरमेंट पे मार्केट बहुत दिन तक नहीं टिक सकता, स्पेशली जब लो विक्स में आप हाईएस्ट पॉइंट पे हो, मतलब मार्केट अब एकदम परफेक्टली नॉर्मल पोजिशन में है, और अब यहाँ से गिरेगा तो कोई भी आदमी नहीं बोलेगा ऐसा एनीथिंग इज एबनॉर्मल। और आई थिंक यूएस मार्केट ऑलरेडी इशारा दे रहा है, वहाँ का विक्स भी ऑलरेडी अच्छा खासा डाउन है, और मतलब अप है, डाउन हुआ था, डाउन से ऊपर जा रहा है, और अपना विक्स डाउन है। तो ये एक चीज़ है विच इज़ नॉट मैचिंग, तो इस पर थोड़ी सी नज़र रखिए। ओवरऑल निफ्टी के जो लेवल्स हैं, मेरे हिसाब से 740-750 एक सेलिंग एरिया था। आज सरप्राइजिंगली इतना बाउंस मिल गया, हमने अपने ग्रुप में भी कहा था 720-730 तक आ जाए तो बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इसको सेलिंग मिलनी चाहिए। करंटली यूएस मार्केट को देखते हुए तो हमारा फ्यूचर जो है, मतलब SGX निफ्टी जो है वो डाउन है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। तो बहुत सारे लोग जो बियर हैं वो खुश हो रहे होंगे, बहुत सारे बुल हैं वो सदमे में होंगे, लेकिन डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर मंडे को आपको प्रॉफिट बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा, लॉस होना होगा तो भी होगा, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। सो द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज कि आज मैंने क्या सोच के वो पोजीशन ली, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, सोचो। और अगर गलती थी, अगर मार्केट ऐसे ही क्लोज होता है, कल भी SGX आपको 145, मुझे पता है बहुत सारे लोग वीकेंड में कम से कम 2 बार खोल के SGX निफ्टी देखेंगे, पता है नहीं हिलने वाला है लेकिन देखेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उससे सीख लेने के लिए बहुत कुछ है कि मैं अगर क्लोजिंग में इतना बड़ा बाउंस आया, मैं बुल था तो मुझे निकलना चाहिए था, और मैं बियर था और मैं यहां तक अगर रुक गया हूं तो क्लोजिंग में क्या मुझे क्लोज करना चाहिए? क्या डॉलर में वीकनेस आई है? डॉलर तो स्ट्रांग था, अपने मार्केट को घुमाया गया बेस्ड ऑन शॉर्ट कवरिंग। तो एक एक कंसेप्ट जो है वो बोल रहा है कि ये नहीं यार, अगर शॉर्ट थे और आज रुक गए क्लोजिंग तक में तो रुको, एवरेज भी कर सकते हो। हाँ डैमेज है वो, तो अब यू कैन नॉट चेंज द आउटकम, राइट? बट व्हाट यू कैन चेंज इज योर एक्शन। तो एक्शन को चेंज करना पड़ेगा, और वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ।
तो दोनों के लिए एक्शन में गलती है। अगर आप होल्ड कर रहे हो बुल होके तो गलती थी, और आप बियर होके लास्ट मोमेंट में गिव अप कर रहे हो तो भी गलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये एक साइकोलॉजी रिलेटेड भी है। अगर आपको एक्स लॉस हो चुका है, दिख रहा है एमटीएम में, आपने पोजीशन बुक नहीं की है, आपको पता है यार मार्केट नहीं गिरेगा, लेकिन आपको पता है आपकी पोजीशन के लिए टाइम है, और आपको पता है कि यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस है। आई एम जस्ट गिविंग ए सिनेरियो कि मार्केट बाउंस मारा जैसे आज, तो आप अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको क्लोज कर दो या फिर लेके जाओ। क्या करना चाहिए? मेरा सिंपल कहना है जो लॉस होना है वो हो चुका है ऑलरेडी, डैमेज हैज बीन डन। अगर आपको बुक करना था तो आपको पहले बुक करना था जब आपके ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ था, जहां से ये पूरी रैली स्टार्ट हुई। आपने वहां बुक नहीं किया, अब आप बोल रहे हो मैं क्या करूं। तो दिस इज नॉट द पॉइंट टू गिव अप। हाँ, आपका और डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर आपने रिस्क लिया था तो आपको पता है कि दिस इज द प्लेस जहां पे रिस्क सबसे कम है। एक फॉल के लिए सबसे कम रिस्क है हाईएस्ट पॉइंट पे, और एक बाउंस के लिए सबसे कम रिस्क है बॉटम में। तो जो लोगों ने आज लॉन्ग किया होगा एट द बॉटम, वो सबसे कम रिस्क ले रहे हैं। गलत हो सकते हैं, गलत तो ऊपर वाला भी हो सकता है जो क्लोजिंग में लॉन्ग पोजीशन लेके गया है या शॉर्ट पोजीशन लेके गया है, वो भी गलत हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं। लेकिन बेस्ट पॉसिबल तो मेरे हिसाब से यही डिसीजन था। तो यहाँ पे गिव अप मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। आई थिंक इस लर्निंग को अलग से एक क्लिप बना के डालना चाहिए कि कहाँ पे हमें एग्जिट नहीं करना है, कहाँ पे हमें गिव अप नहीं करना है, और स्पेशली मंडे ट्यूसडे फ्राइडे नहीं करना है। वेडनेसडे थर्सडे है और आप ऑप्शन बायर हो तो आप कर सकते हो अपना चेंज कर सकते हो डिसीजन कि यार नहीं एग्जिट करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर तो खुश होगा एक्चुअली, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए एक और प्रॉब्लम है कि अगर क्लोजिंग में आते आते, क्लोजिंग में आते आते वो पुट सेल करके गया है तो प्रॉब्लम है। अगर क्लोजिंग में आते आते उसने कॉल सेल किया है तो सही डिसीजन है। तो दिस इज द पॉइंट कि जब आप सही, इट्स ऑल अबाउट राइट एंड रॉन्ग। हर आदमी अभी सोच रहा है मैं गलत था या सही था, क्या था क्या नहीं था। मॉर्निंग में मार्केट गिरा, कोई बोलेगा अरे मैं तो सही था, गिर गया। लेकिन अगर वो आदमी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो गलत है। मार्केट ने आपको सही होते हुए भी आपका लॉस होने वाला है, और जिस आदमी ने इस पूरे बाउंस होने पर कॉल पर पैसा बुक नहीं किया वो भी गलत है। तो इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रेशन, कौन गलत है कौन गलत सही है, इट्स अबाउट कि एक्शन हम क्या लेने वाले हैं, और मेरे हिसाब से एक्शन यही सही है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है, करंटली यूएस मार्केट अभी भी कमज़ोर है, डॉलर अभी भी स्ट्रांग है, रुपी को कंट्रोल किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा कंट्रोल ये लोग करना चाहेंगे। और उसके अलावा अगर आप निफ्टी का लेवल देखेंगे तो करंटली जो आज का मार्केट था, इन स्पाइट ऑफ बाउंस, सरप्राइजिंग ये था कि इन स्पाइट ऑफ बाउंस जो एडवांस डिक्लाइन था वो बहुत कमज़ोर था। मिड कैप में पैनिक है, मिड कैप में प्रॉब्लम है, और ये जो बाउंस हुआ है अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी इस बाउंस के बाद हम एग्जैक्टली वही ट्रेंड लाइन जो मैं फॉलो कर रहा था आरएसआई की, उसको नीचे से आके टच किया है, और दोबारा से हम नीचे जा सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील, डाइवर्जेंसेस स्टिल हैं, और ये जो बाउंस है मुझे ऐसा लगता है मोर ऑफ शॉर्ट कवरिंग था। दोबारा से एटलीस्ट हम 15,600 तो जाएंगे ही जाएंगे, और उसके नीचे अगर हम दोबारा जाते हैं तो ये जो 450 का लेवल था, जो दो बार सपोर्ट पहले भी ले चुका है, एक बार सपोर्ट लिया है एक बार रेजिस्टेंस लिया है, मुझे लगता है ये ब्रेक हुआ तो हमारा 250 का लेवल ओपन अप हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट निफ्टी राइट नाउ। और बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर होगा अगर हमारा करेंसी वीक हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 34,600-700 रेजिस्टेंस है। इसके अगर हम ऊपर जाके एक बार डिप लेते हैं और फिर हम ऊपर क्लोज होते हैं 700-750 के ऊपर, 34,750 के ऊपर, तब ये पूरा ट्रेंड बुलिश होगा बैंक निफ्टी में। अदरवाइज अगर हम वापस से 34,500 के नीचे आते हैं और कंसिस्टेंट क्लोज देते हैं तो मुझे लगता है फिर प्रॉब्लम है। और बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 34,900 का हमारी लाइन है, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो 2-3 दिन पुराना, जब भी मैंने चार्ट शेयर किया होगा बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हो उस लाइन को एग्जैक्टली टच करके आया है। इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन एनालिसिस, कि आपको पता है उधर पर सपोर्ट है और वहां पर तो आपको अपनी पोजिशन क्लोज कर लेनी है, भले उसको ब्रीच करता हुआ दिखा रहा हूँ। दोबारा से हम वह जाके उसको टेस्ट कर सकते हैं। और बैंक में एक और प्रॉब्लम है कि बैंक का जो ये ट्रेंड है करंटली 34,850 तक भी बेयरिश है। 34,850 के नीचे जब तक है तब तक बेयरिश है, 35,000 के मुझे लगता है ऊपर ही निकलने पे हम इसको लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो ये करंटली व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, और स्टॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है आप करेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि आईटी में आज जिस तरीके का माहौल था और कैंडल था, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉप फॉर्मेशन का साइन है, उसने इशारा कर दिया है। मानो ना मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 27,700 आईटी, सीएनएक्स आईटी जा सकता है, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट है, तो 2.5 से 3% का फॉल
पूरे इंडेक्स में आ भी जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पूरे किसी का भी, क्योंकि टेक्निकली एक स्ट्रांग अभी भी अपसाइड में है, लेकिन बिना डिप के ऊपर जाना मुझे लगता है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये मेरा व्यू था मार्केट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य में भी ज्वाइन करके रखिए। बीच में जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसको मैं निकाल के अलग से एक वीडियो भी पोस्ट करूंगा ताकि लोगों को सिर्फ वो क्रक्स मिल पाए जो चीज़ है। सी, इट्स ऑल अबाउट गिल्ट, इट्स ऑल अबाउट रिग्रेट। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो प्रॉफिट बना के भी रिग्रेट ना कर रहा हो और लॉस खा के रिग्रेट गिल्ट ना हो। तो सबको रिग्रेट और गिल्ट है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। कोई 2 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखा रहा है वो आदमी भी सुकून से नहीं सो पा रहा है क्योंकि उसके अंदर भी रिग्रेट है, क्योंकि वो 4 करोड़ का मिस करके बैठा है। ठीक है, और यही चीज़ आपको ओवरकम करना है। और इसको ओवरकम करने का तरीका ये नहीं है कि मैं और ट्रेड करूँ, नहीं वो तरीका नहीं है, वो तरीका है ही नहीं। उसका तरीका सिर्फ सिंपल है कि क्या मैं जो करंट लाइफ मेरे पास है, जो करंट बैंक बैलेंस मेरे पास है, जो करंट रिसोर्सेज मेरे पास है, मैं उससे खुश हूँ। अगर ये खुशी नहीं ढूंढ पाए आप ना, तो रिग्रेट और ये गिल्ट में आपकी उम्र 60, 70, 75 हो जाएगी और सीधे। तो इसलिए बेटर है फोकस ऑन बीइंग हैप्पी विथ व्हाट यू हैव और फोकस ऑन डूइंग द राइट थिंग। और जब गलती हो तो सीखो, सही करो तो भी सीखो, और जो भी किया एट द एंड ऑफ द डे ट्राई टू बी हैप्पी। इट्स टफ, आई एम टेलिंग यू इट्स टफ। आई ट्राई टू डू एवरी डे दिस ऑल, यू नो, जो रूटीन है कोशिश करता हूँ, अपने सेल्फ टॉक करता हूँ। और उसके बाद एक चीज़ तो होती है कि जब सोने जाता हूँ तो खुशी से, बिल्कुल सुकून से सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये सब नहीं, कुछ कुछ खुशी नहीं देता। जिस दिन बड़े घर में घुस जाओगे उसके बाद सोचोगे साला सोऊं किधर, बैठूं किधर। कुछ लोग अपने घर को हवा महल की तरह बना देते हैं नक्काशी उक्काशी करके, क्या मिलेगा उससे? भाई मैं तो वैसे होटल में भी जाता हूँ तो मुझे सफोकेशन फील होता है, बिकॉज आई लाइक मतलब हरियाली, मतलब गांव, रियल, जो चीज़ रियल है। पैदा हुए हैं साला गाय गोबर के बीच में, कैसे अच्छे लगेंगे वो सब चीज़ें? ठीक है, और मैं बोलता हूँ ज़्यादातर लोग गाँव से ही आए हैं, राइट? कौन यहाँ पे है जो शहर में ही पैदा हुआ, मतलब लास वेगास में पैदा हुआ और बेंगलोर में रह रहा है? बताओ, कोई नहीं मिलेगा, हार्डली कोई मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग नीचे लाइफस्टाइल से ही ऊपर आए हैं। और मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि जब आप कभी कभी फील करते होगे कि यार जब मैं स्कूल में था तो बड़ा खुश रहता था, अभी जब से आया हूँ कॉलेज में था बड़ा खुश था, जब से नौकरी चाकरी पैसे के चक्कर में फंसा हूँ पिस गया हूँ, दिमाग खराब हो गया है। ये सिंपल वही चीज़ है कि जब मैं अपने उस पुराने बैकग्राउंड और पुराने एरिया में या पुरानी जगह पे था तो मैं बहुत खुश था, यहाँ पे आके और ये झिकझिक चल रही है इसमें मैं परेशान हो गया हूँ। और इसी परेशानी से निकलने का एक ही सोल्यूशन है, इस पे काम करो ना कि इस पे। दिमाग पे काम करोगे तो जो पैसा कमा रहे हो उससे भी खुश रहोगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग से नहीं हारते, ट्रेडिंग से वो नहीं फ्रस्ट्रेट होते, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं ओवर ट्रेडिंग से और लॉस को ना झेल पाने से और प्रॉफिट के कारण पगलाने से। ये 3 चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। इन 3 चीज़ों से आप जीत गए तो आप एक सफल ट्रेडर बन जाओगे और खुश रहोगे, बिंदास खुश रहोगे, मज़े से नींद आएगी। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है साइकोलॉजी वाले मैं अलग से पोस्ट भी कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस।